जो हमारा टॉपिक है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर डिफरेंस आ गए, ये मेथड आ गए इंटीग्रेशन फाइंड करने, तो आज हम सबसे पहले करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि हमने किसी टर्म को पुट करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमारे पास कोई टर्म ऑलरेडी है उसको हमने अगेन आगे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा, ऐसे फंक्शन गिवन है ना, आपको ये फंक्शन गिवन है, आपने इसे इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहां पे क्या होगा कि ये जो फंक्शन है, अब आपको आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को, यहां पे जो वेरिएबल है एक्स, इस वेरिएबल को हम चेंज करेंगे न्यू वेरिएबल में, ठीक है। तो मान लो यहां पे x वेरिएबल है, तो मैं ऐसे नया वेरिएबल ले लेता हूं g ऑफ t, तो मैं क्या करूंगा उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि आपने नया वेरिएबल क्या ले लिया, t ले लिया, तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा z डैश t, और यहां से मैं dx की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं g डैश t इनटू dt। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है क्या बन गया, f, ये बन गया f ऑफ g t, नया वेरिएबल आ गया x, आप किस में चेंज हो गया g t, मतलब g t एक नया फंक्शन हमने ले लिया, उसका वेरिएबल क्या है t, और dx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई g डैश t dt, और इस प्रकार आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको और ज्यादा समझ आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है फाइव, उसका सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे मैं इसे लेट कर देता हूं, देखिए 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आपको फंक्शन गिवन है और हमने इसे इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान दीजिए, अभी जो आपने 7.1 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन की है, अगर आप कंपेयर करें तो क्या आपको वहां पे, जैसे यहां पे ये एक फंक्शन है बेटा और ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या लग रहा है कि आपने इसमें से कोई टर्म आपने पुट करनी है और उसका डेरिवेटिव आपको यहां मिलना चाहिए। क्या स्टेप है कि हमने एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका आपको डेरिवेटिव मिले। क्या यहां पे कोई टर्म ऐसी है जिसे आप पुट करें और उसका डेरिवेटिव आपको यहां पे मिलता हो? यस सर, देखो हम जानते हैं सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, बेटा हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन नहीं आता अभी, अभी तक हमें तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता अभी। यस सर, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये आपके पास, अगर मैं इसे टी पुट कर दूं, सपोज करो नया वेरिएबल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या पुट कर लिया टी,
मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मेरे पास डी टी टू एक्स डी एक्स आ गया? अगर आप ध्यान दें तो ये आपके पास है ऑलरेडी, ये देखो। क्या मैं इसे अगर ऐसे लिख दूं, मिला आपने इसे पुट किया बेटा, और इसे पुट करने पर आपको डेरिवेटिव मिलना चाहिए इसी टर्म का। इस टर्म का ये डेरिवेटिव है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं साइन टी, तो यहां पे साइन था ये बन गया ये साइन, और ये क्या बन गया टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस टी और प्लस और माइनस कॉस टी, आपने जो भी डीएक्स आएगा नहीं प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया देख, साइन से लेफ्ट कर लेते हैं, साइन टेन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास कोई भी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके साथ कहीं ये मैच नहीं कर पा रहा है। तो फिर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव भी आपको मिला हुआ है, जिसका डेरिवेटिव भी आपको यही मिलेगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है सिचुएशन में उसमें आपने जो फंक्शन पुट करना है उसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं बाद में जब हम हायर थोड़ा चले जाएंगे तो वहाँ कुछ और मेथड आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जो भी आप फंक्शन पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव भी यही मिलेगा। अब देखो किसे पुट करें और उसका डेरिवेटिव मेरे पास है, हाँ तो मैंने जब आपको पहले कहा था कि जब हमने इंटीग्रेशन करना तो डेरिवेटिव आपका साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि अगर मैं पुट करूँ, क्या पुट करूँ, t is equal to tan inverse x है, तो ये सारा क्या है, ये जो हम मेथड करते हैं ये कोई प्री प्लान नहीं है, ये क्वेश्चन को देखकर जैसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा वैसे। अब मेरे पास क्योंकि tan inverse x है तो t मैंने पुट कर लिया, मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और ये dx इधर चल जाएगा। अब ध्यान दो अगर यहाँ पे साइन तो ये ब्रैकेट के अंदर अगर टी आता है तो डी एक्स कौन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सेम आ गया, साइन को आपने पुट नहीं किया था, आपने टेन प्लस एक्स को टी पुट किया, मैंने साइन टी लिख दिया, डी एक्स कौन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल मैंने यहाँ बता दिया, अब ये फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, टी में, कौन सा वेरिएबल नया वेरिएबल आ गया, और साइन टी डी टी कितना इंटीग्रेशन इसका, हाँ जी माइनस कॉस टी प्लस और माइनस कॉस, और टी आपने जो पुट किया है वो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको आया कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करना है, ठीक है। चलो एक और ही लॉ का क्वेश्चन लेते हैं, तो सिर्फ आपने दर्शक नहीं बनना है, जो बाकी बैठे हैं
क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो और सोचो। हाँ जी, आप बताएं। सोचना पहले कि हम कौन सा फंक्शन जो है उसको सब्स्टिट्यूट करें, मतलब किससे हम पुट करें, और उसका डेरिवेटिव आपको मिलना चाहिए। सर वन अपॉन एक्स तो करेंगे तो लॉग एक्स हमारे पास है। क्या वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो है लॉग एक्स होता है? हाँ देख लो भाई, ये नहीं तुम लोगों को फार्मूले याद नहीं हो रहे। क्या वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स होता है? क्या होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव? लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो है वो होता है वन अपॉन एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पे क्या पुट करें, तो हम लेट करते हैं y is equal to log x, और इसे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो जाएगा 1 upon x dx। आप तो यहाँ देखो dx न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ log x का होल स्क्वायर dx upon x, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो log x का होल स्क्वायर, log x आपने क्या लेट कर लिया, y स्क्वायर हो गया, और ये dx अपॉन एक्स किसके इक्वल है? तो ये कौन सा आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है? यही है क्या आ गया? यहाँ देखो वाई स्क्वेयर डी वाई, ये ध्यान देना, यहाँ एक्स है और इसका क्या है डेरिवेटिव डी एक्स साथ में, यहाँ वाई है, वाई का डेरिवेटिव क्या है वाई, तभी इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ मैं। तो कितना आंसर आ गया? 3 6। और वाई कितना है? log upon 3 plus 6। ठीक है, यस सर, समझ आ गया? यस सर। चलिए अब देखेंगे आपको क्या यहाँ पे आप कर पाएंगे, क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, सोचो। किसे आप पुट करेंगे और उसका डेरिवेटिव आपको मिलना चाहिए? दो कंडीशन है, पहले कंडीशन जिसे भी आपने पुट करना है उसका डेरिवेटिव आपको मिलना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां देखिए, है कोई आइडिया? चलो देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखे थे क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने x कॉमन ले लिया, अब मैं इस पूरी टर्म को अगर मैं बाई पुट कर लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस log x विद रिस्पेक्ट टू x, आप डिफरेंशिएट करें, यस सर, क्या गया log x है आपके पास? यस dx एक्स अपॉन x है, यस सर। तो क्या मैं इसे 1 अपॉन y लिख सकता हूँ और फिर dy लिख सकता हूँ? यस सर। देखो ना, ये 1 अपॉन है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x आपने क्या लेट कर दिया, 1 अपॉन y आ गया। dx अपॉन x, dx अपॉन x क्या है? अब 1 अपॉन y और उसका डेरिवेटिव dy है, तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log x प्लस 3 और log y 1 प्लस log x log x प्लस 3। तो ठीक है, यस सर। एक और मैंने क्वेश्चन ले लेता हूँ,
ये आपके 7.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है। तो ध्यान दे दीजिए, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। चलिए बताइए क्या पुट करें और उसका डेरिवेटिव आपको मिलना चाहिए। शाबाश। अगर हम कॉस एक्स ले लेते हैं, लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसे डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं, तो क्या बन गया और नीचे dx आना, मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क पड़ता है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी? मैंने माइनस इस तरफ ले आया, कर सकता हूँ ऐसा? ऐसा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे मेरे पास, ये देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी? क्या आ गया? cos x हमने क्या ऐड कर लिया? t और ये किसके इक्वल है? माइनस dt। तो क्या मैं माइनस बाहर लिख सकता हूँ? यस सर। आप इसका सेट डिलीट करेंगे तो माइनस, ये है पहले दिन ना। हाँ जी, क्या आंसर आएगा जी? साइन t dt इंटीग्रेशन, क्या आंसर आ गया इसका? साइन टी का इंटीग्रेशन देखो ना, साइन टी डी टी, तो साइन का इंटीग्रेशन हुआ ना, साइन टी डी टी। आपको जो फॉर्मूले मैंने बताया, मैं क्या बताया? साइन एक्स डी एक्स, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ कि एक्स वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव डी एक्स है, जहाँ पे टी है इसका वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव डी टी। तो ये सेम फार्मूला बन गया। तो क्या आंसर आएगा निश? माइनस कॉस टी प्लस सी, और ये माइनस जो साथ में आ रहा है, ये माइनस फार्मूले के साथ आया, तो क्या बन गया बेटा? कॉस टी प्लस सी, दैट इज कॉस टी की वैल्यू जो भी आपने पुट की है, प्लस सी। तो अब तक कोई डाउट है? लग रहा है कोई कहीं अभी थोड़ा समझ आ गया कंसेप्ट? yes, कि हम कैसे क्वेश्चन को हमने एग्जीक्यूट करना, हम क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे सॉल्व करने के लिए, पहले करना पड़ेगा ना कि हमें पहले क्या करना है। yes, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूले हैं, तो जरा मेरे सिस्टम में ना थोड़ा ठीक तरीके से आई नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये पहला फार्मूला है यहाँ पे, और ये है बेटा दूसरा, ये है तीसरा, ठीक है? तो पहला फार्मूला क्या है कि tan x का जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ secant x mod। ये अभी फार्मूले आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूले उसमें नहीं है, तो मैंने कहा था जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं आपको नए नए फार्मूले मिलते जाएंगे। नेक्स्ट है कि cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ mod sin x, और secant x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ secant x प्लस tan x, और cosecant x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ cosecant x माइनस cot x। ये आपने याद रखना, ओके? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ देखिए जी, कहता सॉल्व करिए, ये है एग्जांपल है, ये सिक्स एग्जांपल है, उसका सेकंड पार्ट है। और देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए और डी एक्स। तो जब हमने क्वेश्चन शुरू किए थे तो मैंने कहा था कि हमने एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसे आपने पुट करना है और उसका डेरिवेटिव भी आपको मिलेगा, पर मैंने ये भी कहा था कि मैक्सिमम मिलेगा लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिले। तब वो क्वेश्चन आ गया कि जिसमें आपको डेरिवेटिव मिल रहा है, मिल रहा है, देखने में नहीं मिल रहा लेकिन मिल रहा है, देखो कैसे।
मैं पुट कर रहा हूं जी एक्स प्लस ए को टी और इसका डेरिवेटिव करें तो मेरे पास आ गया जी ये डी टी किसके बराबर आ गया ठीक है क्योंकि एक्स के डेरिवेटिव होता है 1 तो डी एक्स इसके अकाउंट था वो मल्टीप्लाई में कर दिया ए कॉन्स्टेंट और जीरो हो गया और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे x है अब x की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ t माइनस ए और नीचे मेरे पास आ गया साइन t और यहाँ पे क्या आ गया समझ आया x मैंने यहाँ से x की वैल्यू ले ली x इज इक्वल टू t माइनस ए और यहाँ साइन अपॉन आ गया साइन t तो डी टी तो मेरा नया वेरिएबल क्या आ गया t में चला गया हमारा फंक्शन जो है वेरिएबल जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल में चला गया t में तो अब सॉल्व करना है ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपॉन खत्म करना बेटा क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे तो मैंने यही कहा था कि हमने हमारे जो डिनोमिनेटर है उसे सॉल्व करना है तभी हम इंटीग्रेशन जो है आसानी से कर पाएंगे अब ये मैं कैसे खत्म करूंगा यहां देखें अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री तो साइन टी माइनस ए कोई फार्मूला है yes, आपके दिमाग में साइन ए माइनस बी क्या था ये फार्मूला कोई बताएगा ये फार्मूला आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ठीक है नहीं तो यहाँ चार्ट पे लिखा है वहां पे भी आप देख सकते हो साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अब ये फार्मूला अगर आपको बेटा नहीं आता तो फिर क्वेश्चन यही स्टॉप हो जाएगा ठीक है तो ये मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे टी की जगह पे ए है और ए की जगह पे बी की जगह ए है तो क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ ध्यान से देखिए साइन ए यहाँ पे ए क्या है इनटू ए माइनस कॉस लिखो पहले कॉस डी और साइन ए और अपॉन बेटा ठीक है और डी टी ऐसे आपके पास आ गया अब देखिए ये सारा हम किस लिए कर रहे हैं कि ये जो अपॉन है इसे हमने खत्म कर दिया तो अब मैं क्या करूँगा कैसे खत्म कर सकता हूँ दोनों के अलग अलग कर देता हूँ टी इसके अपॉन कर देता हूँ टी इसके अपॉन कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास आ गया साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी आगे बेटा माइनस अपॉन और मैं यहाँ पे एक बैकर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये आ गया ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए साइन टी कैंसिल बेटा और यहाँ पे कॉस ए जो है क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है कॉन्स्टेंट है क्यों यहाँ वेरिएबल कौन है टी तो टी के छोड़कर जो भी यहाँ पे होगा वो कॉन्स्टेंट है तो कॉस ए कॉन्स्टेंट है जिसे मैं बाहर लिख रहा हूँ ठीक है तो कॉस ए बाहर चला गया इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचा मैं क्या कर रहा हूँ दो पार्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन के इसे अलग कर रहा हूँ इसे मैं तो मैंने इसमें इंटीग्रेशन निकाल दिया कॉस ए बाहर ले लिया और यहाँ पे क्या आ गया dt आगे माइनस या ऐसे लग रहा है ऐसा चलो माइनस इंटीग्रेशन साइन है कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा अंदर क्या बचा cos t अपॉन sin t cot t और cot t और साथ में dt अब क्या ये सिंपल क्वेश्चन बना है?
डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी और कॉट टी अभी बताया मैंने पिछली स्लाइड में कॉज ए एज इट इज डी टी का इंटीग्रेशन आगे साइन ए कॉट टी का इंटीग्रेशन बताया मैंने cos e का क्या है log of modulus sin x क्या गया log of mod sin जो भी वेरिएबल है और प्लस आप आगे कर सकते हैं आंसर लिख सकते हैं इसका क्या आंसर आ गया cos a t t कितना बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ठीक है आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आएगा कि हमने इन क्वेश्चन को करना कैसे ठीक है तो कुछ और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे 7.2 के कल और कुछ क्वेश्चन लेंगे ठीक है तो चलिए फिर आज के लिए आपका इतना ही